ये हमारे लिए आया है आजमगढ़ से गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और एक नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली का फेमस तशला चिकन, या फिर इसको असलम बटर चिकन भी बोला जाता है। तो ये 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया था, बहुत थोड़े से चिकन का बना रही थी क्योंकि आज मैं ट्राई करके देखना चाह रही थी, और जो है इसका मैंने बहुत नाम सुना था इसलिए आज मैं ट्राई कर रही थी। इसमें मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच जो है वो दही डाल दिया है, 1 पूरा नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया। उसके बाद में मैंने 2 चम्मच के करीब गरम मसाला इसमें डाला, ये बाज़ार वाला गरम मसाला है, आप चाहें तो घर का भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद में ये लाल मिर्च का पेस्ट है जो मैं चटनी बनाती हूँ, वैसे तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट पड़ता है लेकिन मैंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी इसमें, मैंने लाल मिर्च मुझे पसंद है तो मैंने लाल मिर्च का पेस्ट डाल दिया। और मैंने 1 चम्मच डाली कुटी हुई काली मिर्च, 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाले चाट मसाला पाउडर, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और नमक डालने के बाद में हम इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद में हम एक फोक लेंगे या कांटा लेंगे और इसे इस तरीके से करेंगे ताकि सारे का सारा मसाला जो है वो चिकन में अच्छे से जज्ब हो जाए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसे 1 घंटे के लिए रख दीजिए, और आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी रखिए, तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर मैंने थोड़ा सा तेल, ऑयल या फिर बटर आप जो भी लेना चाहें वो लीजिए, और सारे का सारा चिकन आप उसमें डाल दीजिए। उसे इतना पकाइए कि उसका सारा पानी सूख जाए और वो बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाए, और यहाँ लाल मिर्च डालने की वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाल लाल हो गया है। और जब तक हमारा चिकन यहाँ पे भुन रहा है तब तक हम इसके लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बोल में क्रीम ली, और क्रीम 2 से 3 डोंगे के चम्मच बड़े मैंने इसमें क्रीम ली, और उसके बाद में उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला। नमक डालने के बाद में आप इसमें डालिए चाट मसाला 1 चम्मच। चाट मसाला डालने के बाद में इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद में 2 से 3 चम्मच डोंगे के मैंने लिया था दही, काढ़ा बिल्कुल एकदम दही लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया, और उसे अच्छे से जो है फेंट के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। आप अपने चिकन के हिसाब से जो है वो क्रीम लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो थोड़ा बनाया था इसलिए मैंने क्रीम थोड़ी ली थी, आपको जितना बनाना है उतनी लीजिएगा। चिकन हमारा हो गया था और मेरे पास ये चिकन रोस्ट करने वाला था, तो मैं इस पे गैस पे ही चिकन को रोस्ट कर रही थी। इतना अच्छा इससे स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा था, और बीच बीच में मैं इसमें घी भी लगाती जा रही थी, आप घी या बटर जो भी लगाना चाहें वो लगा लीजिए, और सब तरफ से इसे अच्छे से इसमें निशान पड़ जाए, आप इतना इसको रोस्ट करिए। और दोनों तरफ से मेरे पास तो ये एक तरफ वाला था, तो लेकिन अगर दोनों तरफ वाला होता है तो वो उसमें आसानी रहती है रोस्ट करने में, क्योंकि मुझे बाद में ये उतार के पलटना पड़ रहा था, और अगर दोनों तरफ वाला होता तो हम पलट के दूसरी साइड से भी सेक सकते थे। तो ये मेरे पास ऐसे ही था, तो मैंने ऐसे ही इसको रोस्ट कर लिया, और बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में आ रही थी, इतना बढ़िया लग रहा था। और उसके बाद में सारा चिकन मैंने, एक तशला तो नहीं था मेरे पास इतना छोटा, तो मैंने इसमें निकाल लिया, और गरम गरम चिकन पे आप ये सारे का सारा जो भी पेस्ट था या जो क्रीम थी हमारी वो इस पर डाल दीजिएगा, अच्छे से कोट हो जाए सारे का सारा चिकन, और गरम चिकन में ही डालिएगा। अगर ज़रूरत लगे तो आप इसे बाद में हल्का सा गरम कर लीजिए, और फिर बटर लीजिए और बटर को मेल्ट करके हल्का सा इसके ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद में ये बन गया हमारा दिल्ली का मशहूर तशला चिकन, और ये खाने में भी बहुत ही लजीज, बहुत टेस्टी था, क्रीमी सा ये, और आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा और रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बहुत अच्छी रेसिपी है ये रमज़ान के लिए। ये हमारे लिए आया है आजमगढ़ से गिफ्ट। कहाँ से? आजमगढ़ से। ये आया है मिर्च का अचार, मिक्स अचार, और ये आई है महावीर के यहाँ की मिठाई। थोड़ी सी हम लोग खा चुके हैं, इतनी बढ़िया इतनी टेस्टी मिठाई, ये देखिए महावीर के यहाँ का है ये आजमगढ़ का,
और बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी मिठाई है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे अच्छा तो ये अचार, उनकी सास बहुत ही अच्छे अचार डालती हैं और हाथ में टेस्ट बहुत है उनके, बहुत बढ़िया अचार बनाया उन्होंने। मम्मी हाथों में टेस्ट कैसे हो सकता है? हाथों में टेस्ट कैसे हो सकता है? हाथ में टेस्ट होता है। और ये एकदम बढ़िया गिफ्ट और अचार तो ये ऐसा है कि हम इसे सब्जी की तरह भी खा रहे हैं, जो बहुत ही पसंद है ये अचार। टेस्टी। और ये सब चीजें भेजी है हमें, जो छोटी वाली नंद है हमारी उनकी सास ने भेजी है, क्योंकि उनकी सास अचार बहुत अच्छा बनाती है और वहां की ये मिठाई बहुत अच्छी है, तो उनको पता है कि हम सबको पसंद है, तो इसलिए वो हमारे गिफ्ट भेजा है उन्होंने। और ये आया है, और बाजी लोग गई हुई थी आजमगढ़ अभी 4-5 दिन पहले, तो वो लोग वहां से आई हैं, तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशली ये अचार भेजा, क्योंकि उन्हें पता है कि गोभी को ये अचार बहुत अच्छा लगता है और गुड्डू को भी ये अचार बहुत अच्छा लगता है, और मिठाई हमारे बच्चों को, हम लोग को ये वाली बहुत ज्यादा पसंद है। और मतलब इतनी खुशी हुई ना जब ये सारी चीजें मुझे मिली, जब मैंने देखी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने कहा ला आंटी ने जो है याद रखा हमें, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि वो उन्होंने अचार भी बनाया होगा। और जब मैंने अचार देखा तो मैं इतनी खुश हुई, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, मैं बार बार इस चीज को कह रही हूँ कि मैं खुश हुई, और मैं वाकई बहुत खुश हूँ। और ये अचार तो अब ऐसे ही खा लिया जाएगा, मेरा बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और मैं आंटी को भी थैंक यू बोलना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा गिफ्ट उन्होंने हमारे लिए भेजा, और मुझे और हम सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने इतना बढ़िया गिफ्ट भेजा।